सुबह सुबह 5 बजे जोरदार करंट का झटका एक पेड़ का रुख पे लगा है और वो पेड़ जो है दो टुकड़ा हो गया है और उसके अवशेष बहुत ज़्यादा जगह में दूर दूर तक फैल गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर गांव से लोग देखने के लिए आ रहे हैं उस जगह में जहाँ पे आज करंट गिरा है सुबह सुबह 5 बजे। तो देखिए कितना भयानक होता है ये करंट। तो जैसा कि इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग नहीं हैं और ये हमने उन लोगों के आने से पहले हमने ये शूट किया और उस टाइम हमारा जो माइक था वो ख़राब हो चुका था तो उसमें नॉइस आ रहे थे, इसलिए हमने जो पहले वाला वीडियो डाला है उसको बाद में किया, लोगों के आने से बाद में। तो हम आ रहे हैं उस पेड़ के पास। तो देखिए इस पेड़ को, इसी पेड़ को वो करंट ने मारा है आज सुबह सुबह मारा और जिस प्रकार से ये गिरा हुआ है, सुबह उस टाइम में हवा भी नहीं था और अगर हवा के द्वारा अगर गिरा होता तो डाली एक साइड टूटी होती, लेकिन ये ऐसा फट गया है जैसे कि कोई कुल्हाड़ी से फाड़ा हो, देखिए किस तरह से। और इसका जो आधा भाग गायब है, मतलब ये इसका आधा भाग बहुत दूर तक कहीं चला गया है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इस पेड़ को बिजली की कड़क ने बहुत ज़ोर से कड़क मारा है और तो इसका जो है अवशेष इधर उधर जरूर गिरा होगा लकड़ी का टुकड़ा, तो उसको भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इसका छिलका इधर गिरा हुआ है और पूरा का पूरा इसको करंट ने ही मारा है, क्योंकि इस तरह से जो टूटना वो हवा के द्वारा नहीं टूटता है। तो चलिए हम थोड़ा इधर उधर चेक कर, मारा हुआ दिखाई दे रहा है किस तरह से ये पेड़ का हालत भी क्या हो चुका है, खस्ता हो चुका है। तो चलिए थोड़ा इसका अगर है तो इसका जो बाकी वाला भाग कहीं और गिरा होगा, तो चलिए इसको हम भी थोड़ा ढूंढते हैं। तो ये पीछे साइड का तो नहीं, लेकिन वो उधर साइड एक छिलका यहाँ पर दिख रहा है। हम समझ सकते हैं कि ये किस तरीका से कितना वाट में झटका लगा होगा और भी इधर मिल सकता है। और ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, ये वाला भाग जो है इधर से ही गया है और वो वाला भाग नहीं मिल रहा है। तो हम उस साइड में चेक करते हैं, उस साइड में देखते हैं। चलिए देखिए एक टुकड़ा इधर भी है इसका, सेम वही पेड़ है, एक टुकड़ा इधर भी है इसका। जैसा कि हम आज पड़ताल कर रहे हैं उस टुकड़े को ढूंढ रहे हैं और क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है जहाँ करंट मारते हैं वहाँ पर दूर दूर तक उसका जो अवशेष है वो मतलब बिखर जाता है, तो उसी अवशेष को हम आज अगल बगल में ढूंढ रहे हैं क्योंकि इधर कोई नहीं आया है और इसलिए हम चेक करते हैं बगान के अंदर में घुस घुस के, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक छोटा सा टुकड़ा इधर उधर लोग करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कोई टुकड़ा मिला तो लोग ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इस ओर देखते हैं। सके हम वो एक और टुकड़ा पा चुके हैं और वो टुकड़ा है हमारा ठीक यहाँ पर गिरा हुआ, देखिए। और ये काफी बगान के अंदर है, कोई ये नहीं करेगा कि उधर से कोई इधर फेंकेगा। तो देखिए वहां पर ठीक जहां पर पेड़ है ऊपर वहां से देखिए और ये यहाँ पे दिखाई, तो यहाँ पर ये मिल रहा है, ये देखिए, मतलब इतना दूर तो हवा के झोंके से नहीं गिर सकता, फेंका नहीं जा सकता। तो चलिए हम और एक टुकड़ा पा चुके हैं, तो और कुछ टुकड़े इसके हो सकते हैं। तो धन्यवाद। और जैसा कि ये जो आप देख रहे हैं ये घटना हमारे यहाँ पर खोड़ी बड़ी ब्लॉक के भाटाजोत ग्राम में ये घटना हुई है,
और ऐसा घटना बहुत जगह हर बार होते रहता है। यहीं तक हम रखते हैं और मैं आबिल खलखो आपको ये छोटी जानकारी देने के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया।